सुना तू एडिशनल एडवोकेट जनरल हरियाणा को निर्देश दिया जाता है कि वह नागरिकों के घरों पर छापा मारने के लिए गौरक्षकों की शक्ति प्राधिकार के बारे में अदालत को संबोधित करे। ऐसी गतिविधियां प्रथम दृष्टया गैर कानूनी है और कानून को अपने हाथ में लेने के बराबर, यह कानून के शासन के विपरीत। नासिर और जुनैद हत्याकांड के करीब 22 महीना पहले हाईकोर्ट द्वारा गैर कानूनी करार दिए जाने के बावजूद, जब हमने हरियाणा में गौकसी और गौ तस्करी के मामले में दर्ज करीब 200 FIR की जांच की तो पता चला कि गौरक्षकों द्वारा पुलिस के साथ रेड डालना जारी है। घर में घुस के सब चीज की तलाशी लेते हैं, डकैती करने के लिए आते हैं पुलिस के साथ और पुलिस बस उन लोगों के साथ रहती है। नाकाबंदी करना, मारपीट करना, यहाँ तक कि पुलिस की जगह पर खुद ही इंट्रोगेशन करना भी जारी है। लाइट फाइट सब तोड़-ताड़ कर दी, संदूक संदूक मारपीट करी। 10 मार्च 2021 को गौरक्षकों ने इस्लाम के घर पर पहले गन पॉइंट पर आतंक मचाया, फिर पुलिस को बुलाकर इस्लाम के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करा दिया। हाँ, तलाशी लेवे हुआ तो हम तो डर के मारे बोले ही ना है। SP वरुण सिंगला भले ही गौरक्षकों और पुलिस के मिलीभगत से इनकार करते हो, लेकिन नूह जिले में ऐसी दर्जनों FIR दर्ज है जो पुलिस और गौरक्षकों के मिलीभगत की कहानियां बयां करती है। यह रिपोर्ट हरियाणा पुलिस और गौरक्षकों के इसी गठजोड़ की पड़ताल करती है कि कैसे हरियाणा के मेवात में पुलिस की सह पर गौरक्षक समानांतर पुलिस की भूमिका निभा रहे हैं और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पूरी रिपोर्ट देखने के लिए न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।